हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए वैकेंसीज का जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो आपने अभी तक देख लिया होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसके बाद मैंने वीडियो तो अपलोड कर दिया, बट आपके इतने सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, इतने सारे मैसेज लगातार आ रहे हैं अभी तक कि भैया आपने तो 19,500 बताया था, ये वैकेंसी तो 8,440 ही आई है। तो आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर जवाब मिल जाएगा आपके सभी कमेंट्स का, साथ में ये भी पता लग जाएगा कि आपका वैकेंसी से भी कितना और बढ़ सकता है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने अभी आप लोगों को प्रूफ भी सेंड कर दिया है कि मैंने इतनी वैकेंसी बताई थी, इतनी वैकेंसी आपको दिखी है वहाँ पर। ठीक है, बाकी जैसे बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसीज, तो वो आपको 570 वहाँ पर मैंने दिखाया था, पहले ही दिखा दिया था। वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पर पड़ी हुई हैं, अभी आप चेकआउट कर सकते हैं, तो वो आपको मिली वहाँ पर। बात करते हैं एनआईए की, इसमें आपकी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज, वो आपको 12 मैंने बताई थी, तो 12 ही आपको मिली हैं। अब बात करते हैं आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर की, जिसमें वैकेंसी मैंने 2000 प्लस बताई थी, 2389 वैकेंसी आपको इस बार 2023 के अंदर मिल रही हैं। बाकी ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट के अंदर आप चेक कर लेना, ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, मैंने अभी पूरा चेक नहीं किया है। काफी सारी वैकेंसी अभी और मैच हो जाएंगी यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी। अब बात करते हैं 19,500 वाला क्या वीडियो है और क्या 19,500 वैकेंसी आएंगी या फिर नहीं आएंगी। तो उस वीडियो को जिन लोगों ने पूरा नहीं देखा है, ध्यान से नहीं देखा है, उन लोगों ने ही कमेंट किए हैं बहुत सारे गलत कमेंट्स। ठीक है, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि 19,500 जो वैकेंसी आपको वहां पर दिखाई दे रही है वो एक आर्टिकल था, न्यूज आर्टिकल था, मैंने वहां पर बोला भी है, इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है, वो चीज आप लोगों ने नहीं देखी, बाकी इस चीज को पकड़ के बैठे हैं कि 19,500 वैकेंसी मैंने बता दी। 19,500 वैकेंसी मैंने आपको नहीं बताई है, मैंने आपको वहां पर यह भी बताया है कि कितनी वैकेंसी आपकी आ सकती है। मैंने आपको लास्ट में यह भी बोला था कि इस चीज को वेरीफाई आप लोग खुद से कर लीजिए एक बार कि ये जो आर्टिकल है सही है या फिर गलत है, अगर ये सही होता है तो इतनी वैकेंसी जा सकती है, मैंने ये चीज आपको वहां पर बताया है। दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है, मैंने आपको जो आर्टिकल की रिप्लाई दिखाई है उन वीडियोज के अंदर मैंने सिर्फ आपको बोला कि इतनी वैकेंसी आपकी आएंगी और वो आपको देखने के लिए मिला है, उस चीज का प्रूफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने सेंड कर दिया है, वीडियोस पड़ी हुई है उनको चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं कि वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी। तो डेफिनेटली इस पीडीएफ के अंदर आपने वैकेंसी देखी है तो यहाँ पर पीएएससी की वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं की गई है, तो यहाँ पर जो वैकेंसी आपकी और भी बढ़ जाएंगी। मैंने आपको बताया था 10 से 12 हज़ार तक वैकेंसी जाएंगी, तो वो जा सकती है, उसके भी चांसेस 80% ही है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हैं आप सभी लोगों के लिए। बाकी 2023 टीयर टू बहुत जल्दी आपका आने वाला है, टीयर वन का जो रिजल्ट है वो मैंने आपको बता दिया है, 10 से 20 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। वैकेंसीज का आपके सामने क्लियर हो चुका है, अभी यहाँ पर बढ़ेंगी डेफिनेटली और बढ़ेंगी वैकेंसी। ठीक है, तो ये चीज को भी लेके मत बैठ जाना कि भैया ने बोल दिया वैकेंसी बढ़ेंगी या बढ़ेंगी, तो ये चीज भी कंफर्म नहीं है। बाकी पीएससी की कितनी वैकेंसी आएंगी, आरटीआई लगा दिया गया है, आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। पीएससी का मैंने 2 से 3 सर्कल आए हैं जिनके जो रिप्लाई आए थे मैंने आपको दिखा दिए, तो उन वैकेंसी को और ऐड कर लीजिए इसके अंदर, तो आपकी वैकेंसी डेफिनेटली बढ़ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं सीजीएल मेंस के लिए या सीजीएल 2024 के लिए। तो सीजीएल 2024 के लिए जो एस्पिरेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं जिनके नंबर कम आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों को बता दूं कि नोटिफिकेशन को लेकर सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में पिन कर रखी है, इस वीडियो को मैंने पिन कर दिया है, तो इसमें चेकआउट कर लेना कि कब तक आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। कुछ सारी चीजें जो समझ में आ गई होंगी, मैंने कोई भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है आज तक और ना ही आगे आपको दूंगा। जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंचती है एज इट इज मैं आप तक पहुंचा देता हूं, मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा है आपको है। जो बात चल रही थी 19,500 वैकेंसीज वाला जो मैंने आपको वीडियो दिया था, स्क्रीनशॉट दिखाया था, तो वो चीज़ मैंने आपको उस वीडियो के अंदर भी बोला है, साफ साफ बोला है कि सियोरिटी नहीं है, फिर भी आप लोग इतना ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया 19,500 बताया था, इतनी वैकेंसी कहाँ से है, इतनी वैकेंसी तो आई भी नहीं है। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा काम होके देखा करिए, बाकी पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी डिटेल में। ठीक है, आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो सीधा कमेंट कर दीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। और एक चीज़ और, ये मैंने आज तक नहीं बोला कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती हैं तो मत देखा करिए प्लीज़, बट ऐसे भद्दे कमेंट्स बिल्कुल मत किया करिए। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।